हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। हैंडराइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी राइटिंग कितनी इम्प्रूव करनी, किस तरह से इम्प्रूव करनी है, ताकि आप लिखें तो आपके जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, जो मैं समझा रही हूँ आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि आपको उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस मस्ट नीट एंड क्लीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए, इनसे बनने वाले कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ए है, ए से हमारे वर्ड बनते हैं। देखिए एप्पल बनता है, एम्पल है, एडमिट, एरोप्लेन, काफी सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक, तो आपको देखिए उनको लिखना किस तरह से। देखिए जैसे कि हम एप्पल लिखते हैं, तो देखिए एप्पल लिखने के लिए हम ए बनता है हमारा कैपिटल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा पी, और पी जो है वो हमारा एक स्मॉल लेटर है जिसको हम लाइन कट करके बनाते हैं। तो देखिए जब हम पी बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ये बना हमारा पी। तो जब हम आगे स्मॉल लेटर्स लिखते हैं ना, तो स्मॉल लेटर की लेंथ हमारी जो कैपिटल लेटर है उसके हाफ होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ए बड़ा है, फिर हमारा ये पी आ गया, फिर दूसरा देखिए दूसरा पी, इसके बाद में हमने बनाया एल। तो देखिए एल जो है वो लेटर हमारा लंबा है। ठीक है ना, है तो स्मॉल बट ये थोड़ा बड़ा बनता है, तो ये भी जब हम बनाएंगे तो ये हमारा जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट हमारा कैपिटल लेटर है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में देखिए ये ई, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा एप्पल। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बनता है ऐसे हमारा एम्पल, ए एम पी एल ई, एम्पल। ठीक, नेक्स्ट देखिए एडमिट। क्लियर, अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स आपको इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि देखिए जब हम एक लाइन में बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल रहना चाहिए। इक्वल रहेगा तभी आपकी कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, देखिए जितना स्पेस मैंने यहाँ लिया है उतना ही मैंने यहाँ पे स्पेस लिया है इसके बीच में। ठीक है, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, इक्वल इक्वल स्पेस होना चाहिए। ठीक, तो वही हमारा अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी, बी से बनता है देखिए हमारा बनाना, बनाना, ब्रॉड, ब्रिंग। ठीक, अब यहां देखिए, देखिए स्टूडेंट्स हमारा ब्रिंग में देखिए आई आ गया, तो आई के ऊपर डॉट लगता है, आई हम बनाते हैं ना तो उस पर डॉट लगता है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डॉट है ये भी हमारे फर्स्ट वाले लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इससे ज्यादा हम ऊपर लगाएंगे तो ये भी बहुत ऑड लगेगा। ये भी हमारा जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है उसके नीचे नीचे ही, उसके इक्वल ही लगना चाहिए डॉट, भी ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए सी, सी से देखिए जैसे कि कैट, ठीक है ना, क्लीन, क्लियर। ठीक, डी, डी से देखिए डॉग, डांस, डेली। ई है देखिए, ई से देखिए एलिफेंट, अर्ली, एम टी। एफ है, एफ से देखिए फॉक्स, फॉरेस्ट, फाउंड। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने फाउंड एफ मैंने आगे से लिखा है। देखिए जब हमारे ऊपर वाले लेटर का कोई लेटर ऐसा है जो नीचे वाली लाइन तक आ रहा है और आपको नीचे कोई भी वर्ड स्टार्ट करना है तो उसको आप आगे से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए मैंने फाउंड एफ मैंने आगे से लिखा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से लिखती तो ये हमारा वाई में मिक्स हो जाता, जिसको हम बहुत देखने में भी बहुत गंदा लगता और हम उसको पढ़ने में भी हमें उसे प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए जी, जी से हमारे लेटर बनते हैं, देखिए वर्ड बनते हैं गॉट, ठीक है ना, गॉट, ग्रास, ग्रीन। ठीक, देखिए ऐसी एच से देखिए, एच से बनता है हमारा हॉर्स, हैप्पी, होम। आई से देखिए
इंडिया, इंडिया हो गया हमारा। देखिए नेक्स्ट, इमेज, इम्पोर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट देखिए जे, जे से है हमारा देखिए जस्ट, जॉइन, जापान, के से देखिए काइट, नो, नॉक। नेक्स्ट देखिए एल से देखिए लकी, लंच, लाफ। ऐसे देखिए एम से देखिए मैंगो, मस्ट, मनी। एन है देखिए एन से देखिए नेवर, नॉइज, नाइट, ठीक। ऐसे देखिए ओ से देखिए ऑरेंज, आउट टू, ऑक्यूपाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पी, पी से देखिए पैरट, प्राउड, पिंक, ठीक। क्यू से देखिए क्वीर, क्विक, क्वीन। ऐसे देखिए आर, आर से देखिए रिवर, राउंड, रॉयल। एस, एस से देखिए स्वीट, साउंड, स्लो, ठीक। टी से देखिए ट्वाइस, थैंक, थ्रो, ठीक। यू, यू से देखिए यूनियन, अंडर, यूनिटी। वी है, वी से देखिए वैल्यू, वॉइस, वैलिड। डब्ल्यू है, डब्ल्यू से देखिए वुमेन, वर्ल्ड, राइटर। नेक्स्ट देखिए एक्स है, देखिए एक्स से, देखिए एक्स से हमारा एक वर्ड बनता है एक्स रे, तो वहां पे क्या करना है देखिए एक्स बनाना है, डैश देके रे बनाना है, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा एक्स रे। इसे देखिए देखने में भी नीट एंड क्लीन कितना लग रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ज़ेरॉक्स, ज़ाइलम, ठीक। एंड नेक्स्ट देखिए वाई से देखिए योर्स, यंग, ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जेड, जेड से देखिए ज़ेब्रा, जेस्ट, जील, ओके। तो यहां आप देख रहे हैं, मैंने देखिए ए से लेके जेड तक सभी लेटर्स की यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस कराई। सभी लेटर्स से हमें, किसी भी लेटर से, यहाँ देखिए सब लेटर्स से प्रैक्टिस कराने का मेरा मेन मकसद ये है
कि आपको यहाँ पे किसी भी लेटर से कोई वर्ड बनाने को आए तो आपको किस तरह से बनाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए लिखने के लिए मस्ट होता है कि जो हमारे लेटर्स हैं उनकी लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए। कोई भी आप लेटर बनाएं उसकी आपकी लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल रहेगी, छोटे बड़े नहीं होंगे तो आपकी कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगी, आपको हर एक चीज़ बहुत ईजिली समझ में आएगी। देखिए आप यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर आप ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी वर्ड रीड कर लीजिए, आप उसमें बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे रीड करते हुए, इतनी क्लियरिटी से यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको भी ऐसे ही लिखना है। आई होप मैंने आज ही आपको जितना भी पढ़ाया है, जो भी समझाया, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही काफ़ी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, इस वीडियोज़ के रिलेटेड कुछ पूछना है या इसके अलावा इंग्लिश में आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टूल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।